हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी पायलट स्कूल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला सेक्शन वीडियो का। इसके अंदर हम बात करेंगे कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट की। तो ऐसी ब्रीडिंग जिसके अंदर हम काफ़ी कंट्रोल रखते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की फीमेल तो है लेकिन बुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? और सपोज़ करो कि बुल हो काफ़ी दूर, मतलब उसको लाया जाना काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, तो हम क्या करेंगे? वहाँ से उस बुल के सेमन को मंगवा लेंगे, स्पर्म को मंगवा लेंगे, फिर उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे फीमेल बॉडी के अंदर। द सेमन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट आर चूजन एज अ पेरेंट एंड इंजेक्टेड इन टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ सिलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर। तो ब्रीडर उस स्पर्म को मंगवा के फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगा आर्टिफिशियली। द सेमन मे बी यूज इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन एंड यूज एट अ लेटर डेट। तो सेमन को आप ऑन द स्पॉट मतलब उसी टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो जब उसको लेके आए हो, नहीं तो अगर चाहो तो आप उसको स्टोर भी करके रख सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन फ्रोजन फॉर्म टू वेर एवर द फीमेल इज हाउस। और अब इसको कहीं भी भेज सकते हो जहाँ पे फीमेल रखी गई हो। इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग आर कैरिड, और इस तरीके से डिजायरेबल मेटिंग परफॉर्म होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प अस टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग। नॉर्मल मेटिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर देता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। Often, the success rate of crossing a mature male and female animal is fairly low even though artificial insemination carried out. अब एक और बात है, normally काफ़ी कम रेट होती है फ्यूजन की, तो उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? To improve chance of successful production of hybrid, other means are also used. कुछ अलग तरीके भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि MOET। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो आप इसको मार्क कर लें अपनी बुक के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज वन सच प्रोग्राम ऑफ हर्ड इम्प्रूवमेंट। जो आपके जानवरों का बेड़ा होता है, जो झुंड होता है आपके डेयरी में, 10, 12, 2, 4, 8 जो भी वैसे गाय हैं उसके झुंड को बोलते हैं हर्ड। तो हर्ड को एकदम से इम्प्रूव कर सकते हैं ये। इन दिस मैथड ए काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हॉर्मोन विद FSH। FSH लाइक एक्टिविटी वाला हॉर्मोन उसके अंदर डालेंगे टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैचुरेशन एंड सुपर ओवुलेशन। इसलिए ताकि वो ज़्यादा एग एक साथ प्रोड्यूस करें। नॉर्मली तो एक ही होता है, लेकिन सुपर ओवुलेशन का मतलब होता है 6, 7, 8 तक, विच दे नॉर्मली यील्ड पर साइकिल। नॉर्मली एक आता है लेकिन हम बात कर रहे हैं ज़्यादा की। तो आपका दे प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स, फिर वो 6 से 8 एग प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। द एनिमल इज ईदर मेटेड विद एन एलीट बुल। और बात करते हैं फिर उसी काउ को या उसी बफलो को जिसके अंदर 6 से 8 हैग हैं, उसको एक बुल से मेट करवाते हैं या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग एट 8 to 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर। ये कहा है यहाँ पे, जब वो देखो नॉर्मली क्या होता है, एक गाय या भैंस के अंदर एक ही बच्चे को एकोमोडेट करने का स्पेस होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है 6 से 8 एग उसके अंदर हैं, तो यहाँ पे 6 से 8 जायगोट बनेंगे, तो हम उन सबको तो एक अंदर ग्रो होने नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, बिना किसी सर्जरी के 8 से 32 सेल्स के जो आपके एम्ब्रियोज वगैरह हैं या ब्लास्टोमर्स हैं उनको वहाँ से निकाल लेंगे, और द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर एवोल्यूशन। किसी गाय के अंदर अगर 6 एग प्रोड्यूस किए थे, 6 एम्ब्रियो बनाए थे, तो अब उसके अंदर दोबारा से हम सुपर एवोल्यूशन करवा सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, शीप, रैबिट और बफलो और मेरी हाई मिल्क यील्ड ब्रीड ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रीड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम। तो इस तरीके से हम ज़्यादा दूध देने वाले, ज़्यादा नंबर के एनिमल्स, ज़्यादा अमाउंट में और ज़्यादा अच्छे मास वाले आपके जो बुल्स वगैरह हैं उनको हम सिंपली प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है बी कीपिंग और एपिकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स। ये हाइव को रखने का, संभालने का एक टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, हनी के लिए। इट हैज़ बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है ये। हनी इज फूड फॉर अ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड ऑल्सो फाइंड यूज इन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और देसी दवाइयाँ जो होती हैं, आयुर्वेदिक दवाई का सिस्टम जो है, उसके अंदर शहद का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, सबको पता भी होगा। जुकाम खांसी है तो शहद ले लो, मोटा पतला होना है तो शहद ले लो, स्वीटनर चाहिए तो शहद ले लो, बहुत सारी देसी दवाइयों को हम शहद के साथ खाते हैं। हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूस बी वैक्स,
और हनी भी शहद के साथ साथ बी वैक्स भी प्रोड्यूस करती हैं, विच फाइंड मैनी यूज इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर काफी उसका काफी यूज है, जैसे कि बात करेंगे हम कॉस्मेटिक एंड पॉलिश वगैरह बनाने की, वेरियस काइंड के नेचुरल आपका जो बेस होता है उसके इस्तेमाल होता है, सच एज प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक प्रोटीन हो गया, पॉलिश हो गया। द इंक्रीज डिमांड ऑफ हनी हैड लीड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब इसकी डिमांड बढ़ी तो ये एक बिजनेस की तरह फैल गया। इट हैज़ बिकम एन एस्टेब्लिशमेंट इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री, और ये काफ़ी अच्छा पैसा कमाने का साधन है। वेदर प्रैक्टिस और स्मॉल और लार्ज स्केल, अब बात ये करते हैं आप इसको स्मॉल स्केल पे यूज़ कर रहे हो या इसको आप लार्ज स्केल पे इस्तेमाल कर रहे हो। बीकेपिंग कैन बी प्रैक्टिस इन एन एरिया वेयर देयर इज सफिशियंट बी पास्चर ऑफ सम वाइल्ड शब, मतलब हनी बीज के लिए जो उनके खास पौधे होते हैं, पोलन्स होते हैं, वो कहाँ पर ज़्यादा हो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब झाड़ियाँ टाइप का होना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह के पौधे हों, कल्टिवेटेड क्रॉप्स हों। देर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ हनी बी विच आर बी रेयर्ड विच आर विच कैन बी रेयर्ड, कई सारी स्पीसीज हैं जिनको हम जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेयर कल्चर कर सकते हैं ऑफ दीज। लेकिन सबसे कॉमन जो है इंडिया की वो है आपकी एपिस इंडिका। बी हैव कैन बी कीप्ड इन वन कोर्ट यार्ड, आप इसको कहीं भी रख सकते हो अपने घर के आगे पीछे, ऑन द वेरांडा ऑफ द हाउस और इवन ऑन द रूफ, बरामदे में भी, घर के छत पे भी। बी कीपिंग इज नॉट अ लेबर इंटेंसिव, इसमें लेबर ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना, थोड़ा सा आपको वर्क एफिशिएंट होना ज़रूरी है, क्योंकि एफिशिएंसी ही सब कुछ है। जितना आप एफिशिएंट हो जाओगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा। बी कीपिंग दाउ रिलेटिवली ईजी डो डज रिक्वायर सम स्पेशलाइज स्किल, आसान है लेकिन कुछ स्किल्स का काम है यहाँ पे। देखते हैं क्या है। सबसे पहले की स्किल आपकी, आपको नेचर और हैबिट के बारे में पता होना चाहिए हनी बी का कि वो किस तरह से हैंडल करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है कैचिंग ऑफ हाइव स्वॉम्स और मधुमक्खियों के छत्तों को पकड़ना आपको आना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ बी हैव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन पे उनको क्या सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए उनका बताना चाहिए। इसके बाद आपका हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी ऑफ बी वैक्स, वो वैक्स निकालना, हनी निकालना, वो निकालना आना चाहिए हाइव से। बीज आर पोलिनेटर ऑफ मैनी अदर क्रॉप सच एज सनफ्लावर, ब्रैसिका, एप्पल एंड पियर, काफ़ी ज़्यादा पोलिनेशन भी करती हैं हनी भी, सबको पता है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में ज़्यादातर आपका जो पोलिनेशन है वो हनी भी करती है। कीपिंग बी हैव इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीज द पोलिनेशन एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव द यील्ड, बेनिफिशियल फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉप एंड द हनी। तो भाई उनको साथ में रखने से डबल फायदा होगा, आपका पोलिनेशन बढ़िया होगा, फसल भी अच्छी होगी, साथ के साथ आपके मधुमक्खी को खाना तो मिल ही रहा है। फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग फिश, शेल फिश और एक्वेटिक एनिमल। अगर हम बात करते हैं फिशरी की, तो फिशरी एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आप कैचिंग करते हो, प्रोसेस करते हो मछलियों को, शेल फिश को या अदर एक्वेटिक एनिमल्स को। ए लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन फिश, बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का, क्योंकि इंडिया का कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर मेजोरिटी में लोग मछलियों पर डिपेंड करते हैं, उनके उनके द्वारा बने प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। एंड एक्वेटिक एनिमल्स सच एज प्रॉन्स, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर, ये सारे वो जानवर जो खाए जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स के अंदर काफ़ी महंगे आपको इनकी डिशेज मिलती हैं फूड के लिए। सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिश विच आर कॉमन इंक्लूड, जो कॉमन है वो आपकी कैटला, रोहू, ये आपकी फ्रेश वाटर। सम ऑफ द मरीन, मरीन में आपका हिलसा, सार्डिन। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, मैंने देखा है 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। वो नाम पूछते हैं नेम एनी टू फ्रेश वाटर फिश, नेम एनी टू मरीन वाटर फिश, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना, खत्म ही होने वाला है ये आपका भी। फिशरी हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, अगर हम बात करते हैं फिशरी की, फिशरी हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी, इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सबको पता ही है इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों देती है बहुत सारे फिशरमैन को, फार्मर्स को, पार्टिकुलरली इन द कोस्टल एरिया, और वो जो कोस्टल स्टेट में रहते हैं वहाँ तो मेन बिजनेस है ही पानी से। फॉर मैनी इट इज ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवहुड, और बहुत सारों के लिए तो सिर्फ जीने का सहारा ही ये है, क्योंकि जो इंसान कुछ नहीं कर सकता वो शाम तक दो मछलियाँ तो पकड़ ही लेगा, उसको खाना तो मिल ही जाएगा, झोपड़ी में वो रह लेगा, खाना पानी मिल गया, खाना और रहने का जगह मिल गया, चल गया काम। इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फिशरी डिफरेंट टेक्निक हैव बीन एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तो ज़्यादा आप मछली पकड़ पाओ उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स प्रोड्यूस करी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्रू एक्वाकल्चर और पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर और पिसीकल्चर की बात करें तो देखते हैं, वी हैव एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वाटिक प्लांट एनिमल बोथ फ्रेश वाटर एंड द मरीन, तो हमने क्या किया एनिमल्स की ग्रोथ को बढ़ा दिया, चाहे वो मरीन वाटर हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो।
इसके बाद हम बात करते हैं, दे हैज लीड द डेवलपमेंट एंड फ्लोरिशिंग द फिशरी इंडस्ट्री, और उन्होंने फिशरी इंडस्ट्री की नींव रख दी। इट हैज ब्रॉट टू अ लॉट इनकम टू द फार्मर इन पार्टिकुलर एरिया एंड कंट्री इन जनरल। तो उसने काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उनको बेटर कर दिया, काफ़ी ज़्यादा इनकम का सोर्स बन गई है वो किसानों के लिए कुछ खास हिस्सों में। तो वी नाउ टॉक अबाउट द ब्लू रेवोल्यूशन, और आजकल हम बात करते हैं ब्लू रेवोल्यूशन की। इज बीन इम्प्लीमेंटेड अलॉन्ग द सेम लाइन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसको ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह ही बढ़ा चढ़ा के प्रमोट किया जा रहा है, ताकि काफ़ी बड़ा जो आपका एरिया है इंडिया की पॉपुलेशन का उसको खाना मिल जाए। दोस्तों ये था आपका सेकेंड वीडियो, इसके बाद हम करेंगे प्लांट ब्रीडिंग और उसकी टेक्निक, उसको कंप्लीट एक वीडियो में ही खत्म करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहें बी बायोलॉजिकल। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।